वेल देखो यार दोस्तों, आज की ये वाली वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। बीजीएमआई के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं और काफी सारे लोग मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर डीएम करके सबसे ज्यादा जो बता रहे हैं वो ये कि यहाँ पे काफी सारे लोगों को जब गेम वो खेल रहे ना तो यहाँ पे उनको एक पॉपअप आ रहा है, यू हैव रीच योर ऑनलाइन टाइम लिमिट टूडे, यू कैन लॉग इन टुमारो 5:30 IST। तो भाई ये क्यों आ रहा है और इसका परमानेंट सॉल्यूशन क्या है, आप इसको किस तरीके से यहाँ पे टैकल कर सकते हो और भाई आप अनलिमिटेड टाइम गेम किस तरीके से खेल सकते हो, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा। अगर आप इस वीडियो को देख लिए तो आपको फिर कोई वीडियो को देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो उससे पहले मैं आपको यही बोलूंगा, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दो, लाइक वाले बटन को तोड़ दो, चैनल पे पहली बार आए हो तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्राफ्टन ने इस बार गेम लॉन्च करने से पहले यहां पे जो ना ब्रेक टाइम रिमाइंडर्स यहां पे दोस्तों मतलब जितने भी प्लेयर्स गेम के अंदर यहां पे गेम खेल रहे ना 18 ईयर्स से नीचे 18 ईयर्स के ऊपर वाले उसको यहां पे टाइम टू टाइम रिमाइंडर भेजेगा कि भाई आप यहां पे काफी ज्यादा गेमिंग कर रहे हो, आप यहां पे थोड़ा सा ब्रेक ले लो और यहाँ पे अपने जो है वो रियल लाइफ मतलब हेल्दी गेम और यहाँ पे लाइफ बैलेंस को यहाँ पे बनाए मेंटेन रखने के लिए इसको लाया है। और इसके अलावा यहाँ पे दोस्तों कुछ और स्ट्रिक्ट रूल है, जैसे कि अगर आप 18 साल के नीचे हो तो आपको सिर्फ 3 घंटा ही खेलना दिया जाएगा। जी हाँ, आप पर डे में सिर्फ और सिर्फ 3 घंटा खेल पाओगे। और यही नहीं, यहाँ पे जो 18 साल के ऊपर वाले हैं जी हाँ उसके लिए भी बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल यहाँ पे गेम प्ले लिमिट्स के अंदर इन्होंने डाले हैं। वो ये कि दोस्तों जो 18 साल के ऊपर वाले वो सिर्फ 6 घंटा ही खेल सकते हैं दिन के अंदर, एंड 6 घंटा के बाद आप लोग गेम नहीं खेल पाओगे। ठीक है, तो इसका यहाँ पर मैं आप लोगों को कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों जब आप लोग गेम खेलोगे ना तो सबसे पहला जो आप लोग का गेम प्ले मैनेजमेंट सिस्टम की तरफ से आपको पॉपअप आएगा, यू हैव बीन आप लोग देख पा रहे हो कि इन गेम फॉर 2 आवर्स फॉर योर हेल्थ ओन हेल्थ प्लीज टेक अ ब्रेक एंड कम बैक लेटर। जी हाँ, तो ये आपको पहले 2 घंटे का रिमाइंडर भेजेगा कि भाई 2 घंटा आप यहाँ पे खेल लियो, आप यहाँ पे थोड़ा हेल्थ पे ध्यान दो और बाद में आना फिर से खेलना। ठीक है, और यहाँ पे थोड़ा ब्रेक ले लो, ये आपको रिमाइंडर भेजेगा। ठीक है, एंड उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो दूसरा आप लोगों को रिमाइंडर आता है मैं आपको वो भी दिखा देता हूं। यहां पे एज इट इज सेम ही होता है, लेकिन यहां पे इस बार आप लोगों ये लोग बोलते हैं कि 4 घंटा हो चुका है, आप यहां पे दोस्तों ब्रेक ले लो और बाद में आना, बाद में खेलना। देख पा रहे हो, यू हैव बीन गेम फॉर 4 आवर्स फॉर योर ओन हेल्थ प्लीज टेक अ ब्रेक एंड कम बैक लेटर। जी हां, तो ये आप लोगों को गेम प्ले मैनेजमेंट के साइड से ये लोगों ने ऑटोमेटिकली ये चीज सेट कर दिया कि जो भी लोग ज्यादा गेम खेलते हैं उनको यहां पे पॉपअप भेजो, रिमाइंडर भेजो कि ज्यादा हो रहा है, अभी थोड़ा ब्रेक ले लो। इसके बाद दोस्तों आप लोगों को एक फाइनल वार्निंग आता है जो कि रिमाइंडर मैं आपको दिखाना चाहता हूं। इसमें ये लोग बोलते हैं कि यू हैव रीच योर ऑनलाइन टाइम लिमिट टुडे, यू कैन लॉग इन टुमारो 5:30 IST। जी हाँ, तो अब यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जब आप लोगों को पॉपअप आ जाएगा ना, ये नोटिस अगर आपको आ जाएगा तो अब गेम के अंदर लॉग इन नहीं कर पाओगे। आप कुछ भी कर लो, अगर दोस्तों आपका 6 घंटा कंप्लीट हो गया, अगर आप 18 साल के ऊपर के हो तो आप गेम में लॉग इन नहीं कर पाओगे, आप कितना भी दिमाग लगा लो। ठीक है, अब ये रूल क्राफ्टन ने लाया यहां पर टाइम टू टाइम रिमाइंडर्स भेजने के बारे में, तो इसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि काफी सारे लोग काफी सारे भाई जो बंदे हैं वो उनके लिए 6 घंटा इनफ नहीं होता है। ठीक है, वो दिन दिन भर गेम खेलते हैं, रात रात भर गेम खेलते हैं, तो भाई उनके लिए तो ये 6 घंटा बहुत ही कम पड़ेगा। ठीक है, तो इसका अपने को एक सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, अल्टरनेटिव सॉल्यूशन तो कुछ ना कुछ तो ढूंढना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो आप लोगों को प्रॉब्लम्स देखने के लिए मिल रहा है ना, ये गेम प्ले मैनेजमेंट है, ये सब जो 3 घंटा 4 घंटे का यहाँ पे रिमाइंडर्स वगैरह आपको देखने के लिए मिल रहा है, तो ये सारी चीज़ें अभी आप लोगों को फिलहाल के लिए फेस करना पड़ेगा। मैं आपको सॉल्यूशन बता रहा हूँ, डोंट वरी। यहाँ पर दोस्तों ये सारी चीज़ें इसलिए करेगी, आपको पता है कि 3 महीने का टाइमिंग दिया गया है। जी, आपको पता है गवर्नमेंट यहाँ पे क्लोज आइज रखेगी, तो यहाँ पे अभी ना जो गेम है वो बहुत ही ज़्यादा फूक के कदम रख रहा है, इसलिए दोस्तों यहाँ पे गेम मतलब ऐसा चाहता ही नहीं कि भाई गवर्नमेंट को कुछ मौका मिले बोलने का गेम के ऊपर, और फिर से दोस्तों यहाँ पे गेम के ऊपर कोई खतरा है। तो ये जो है ना दोस्तों यहाँ पे जो क्राफ्टन है वो यहाँ पे दोस्तों अपना दोस्तों जो है वो मतलब पूरी तरीके से जो है वो अपना मतलब भाई प्लान सेट करके रखा हुआ था पहले से किस तरीके से करना है। तो आपको जो 3 महीने के बाद है ना ये सारा नोटिस हटते हुए भी दिख सकता है। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों का जब आप गेम पूरी तरीके से सेफ हो जाए तो ये सारी चीज़ें, क्योंकि ये कहने की बहुत ही प्रॉब्लमैटिक है, क्योंकि आप जान रहे हो कि जो ई स्पोर्ट एथलीट है वो ज़्यादा खेल ही नहीं पाएगा भाई, उनको तो बहुत ग्राइंड करना पड़ता है। तो अब इसका सॉल्यूशन यही है दोस्तों कि आप लोगों को यहाँ पे एक अल्टरनेटिव आईडी बनाना पड़ेगा। जैसे अगर आप फेसबुक से खेल रहे हो ना, मतलब आप 6 घंटा खत्म हो गया, तो आपका जो अगर ट्विटर से कोई लॉगिन आईडी है सेकेंडरी आईडी, तो आप ट्विटर से लॉगिन करके खेल सकते हो। जी हाँ, तो आपको यहाँ पे 2 आईडी को मैनेज करना पड़ेगा। अगर आप ज़्यादा खेलना चाहते हो तो आप मल्टीपल आईडी से खेल सकते हो, कोई भी दिक्कत यहाँ पे आपको नहीं होने वाला है। जी हाँ, फिलहाल के लिए ये प्रॉब्लम अभी आप लोगों का चलेगा, एंड दोस्तों जो नोटिस वाला प्रॉब्लम आपको दिख रहा है ना वो आपका जल्दी रिमूव हो जाएगा। इसके अलावा गेम के अंदर अभी बहुत सारे बग्स एंड ग्लीचेज है जिसको क्राफ्टन फिक्स करने में लगा हुआ भाई, रात ही नहीं करा हुआ है, तो सारे जो बग्स एंड ग्लीचेज है वो जल्दी आप लोगों का फिक्स कर दिया जाएगा। तो ये दोस्तों काफ़ी सारे लोगों के सवाल आ रहे थे, तो मैंने सोचा इसके ऊपर एक डेडिकेटेड डिटेल में वीडियो बना के बताऊँ, ताकि
ताकि आप लोग समझ जाओ। और जो काफी सारे लोग यहाँ पे ना सोच रहे कि भाई उनका आईडी ही बैन हो गया, तो ऐसा नहीं है मेरे भाई। अगर आप लोगों ने सुबह में 5:30 बजे से गेम खेलना स्टार्ट किया है तो यहाँ पे दोस्तों आप लोगों का दोस्तों ना मतलब नेक्स्ट जो आप लोग का सुबह में 5:30 बजता है ना, उतना टाइम के बीच ही दोस्तों आप लोग 24 घंटे के अंदर 6 घंटा ही खेल पाओगे। जी हाँ, तो आप यहाँ पे अपना शेड्यूल बना लो, 2 घंटा खेलना है, 2 घंटा मतलब शाम में खेलना है, 2 घंटा रात में खेलना है, 2 घंटा सुबह खेलना है, इस तरीके से आप कर सकते हो। और भाई इस तरीके से आप अपना टाइम मैनेजमेंट करके गेम को खेलना। और कहीं ना कहीं एक तरीके से ये जो स्टेप है मेरे हिसाब से बहुत अच्छा भी है क्राफ्टन के साइड से, क्योंकि काफ़ी सारे लोग अंधाधुंध गेम खेलते थे। ठीक है, आपका इसके ऊपर क्या ओपिनियन है? क्या ये क्राफ्टन ने सही रूल लाया है और क्या आप लोग को इससे कोई दिक्कत है? और आप लोग कितना घंटा गेम खेलते हो दिन में मुझे कॉमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब करना। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे एंड बाय बाय।